रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन नितिन गडकरी जी, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री हसन सुश्रीफ जी, इस कॉलेज के डीन डॉक्टर राज गजिए जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जन, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। ये प्रतिष्ठित संस्थान पिछले 75 वर्ष से हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सराहना करती हूँ। इस अवसर पर मैं इस कॉलेज की स्थापना में योगदान देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल A.N. वॉश, डॉक्टर जीवराज मेहता, कर्नल K.B. कुकड़े जैसी विभूतियों का भी सादर स्मरण करती हूँ। GMC नागपुर वर्ष 1947 से ही ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करता रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना छाप छोड़ी है। उनके कार्य के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार, डॉक्टर B.C. रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रकाश आमटे को समाज सेवा के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुआ है। नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। इस प्रसिद्ध में GMC नागपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज इस संस्थान में न केवल 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है और 6 वर्षों से सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम चल रही है, बल्कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रामा केयर सेंटर द्वारा ज़रूरतमंदों को चिकित्सा सेवा में प्रदान की जा रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्य के लोगों भी चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने आ रहे हैं। देवियों और सज्जन, चिकित्सा सस्ती और सुलभ हो, ये किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कोविड की अभूतपूर्व महामारी ने हमें एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम के महत्व को गहराई से अनुभव कराया है। डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की निरंतर मेहनत का भी परिणाम था कि भारत अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का वैक्सीनेशन शीघ्रता से कर पाया। डॉक्टर्स की संख्या में कमी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने में एक प्रमुख बाधा है। हाल के वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय भविष्य में सबको उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। चिकित्सा सुविधाओं में असमानता भी एक समस्या है। इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार जिला अस्पतालों से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। ये योजना चिकित्सा शिक्षा के अवसरों में क्षेत्रीय असंतुलन और शहरी ग्रामीण विभाजन को कम करने में सहायक होगी। स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ ये भी जरूरत है कि स्वास्थ्य सेवा लोगों की पहुंच में हो। गरीब लोग धन के अभाव में चिकित्सा सेवा उपलब्ध होने के बावजूद उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। मैं हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के सरकार की
पहल की सराहना करती हूँ। हेल्थ से जुड़ी व्यक्तिगत रिकॉर्ड मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। डॉक्टर्स भी इस रिकॉर्ड के जरिए सही डायग्नोसिस कर पाते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के जरिए किसी व्यक्ति का हेल्थ रिकॉर्ड्स आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। ये एक ऐसी पहल है जिसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए सुगम और बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे देश में ऑर्गन डोनर्स की कमी है। ये कमी ना केवल जरूरतमंदों को लंबी प्रतीक्षा के लिए मजबूर करती है बल्कि अंगों के अवैध कारोबार को भी बढ़ावा देती है। इस कमी का प्रमुख कारण है लोगों में जागरूकता का अभाव। लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसीलिए मेरी मेडिकल फटर्निटी के सभी लोगों से अपील है कि जनता को इस बारे में जागरूक करने का प्रयास करें। मेंटल हेल्थ भी एक बड़ी समस्या है जिसका सहानुभूतिपूर्ण निदान आवश्यक है। मुझे खुशी है कि जीएमसी नागपुर ना केवल मरीजों का इलाज कर रहा है बल्कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च भी कर रहा है। पोस्ट कोविड साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन भी एक सराहनीय कदम है। देवियों और स्वजनों, अस्वस्थ और कमजोर लोगों की देखभाल करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जैसे चिकित्सकों को हमारी परंपरा में उच्च स्थान प्राप्त है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि ये लोगों को नया जीवन देते हैं। डॉक्टर्स हमारे देश के एसेट्स हैं। उनके ऊपर देशवासियों को स्वस्थ रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है ज्ञान, धैर्य और सेवा। आपको मन लगाकर ज्ञान अर्जित करना है और लोगों की धैर्य के साथ सेवा करनी है। चिकित्सा में बढ़ते हुए तकनीकी प्रयोगों से स्वास्थ्य व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर को नई दिशाएं प्राप्त होगी। ऐसे में आवश्यक है कि जीएमसी नागपुर अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार रखे। टेक्नोलॉजी के जरिए उत्तम सुविधा जन जन तक पहुँचे, ये आपका प्रयास होना चाहिए। मेरे विचार है मैं जीएमसी नागपुर को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है तथा अन्य मेडिकल संस्थानों के लिए रोल मॉडल बनना भी चाहिए। आपके संस्थान की यात्रा स्वाधीन भारत की यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। जब भारत की स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूरी होंगे तब जीएमसी नागपुर भी अपने स्थापना की शताब्दी मनाएगा। भारत को 2047 से पहले एक पूर्ण विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आपने भी अपनी संस्था के भविष्य की रूपरेखा बनाए होंगे। मैं खुशी हूँ कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने हम लोगों के सामने इसके डेवलपमेंट के लिए मेडिकल ये मॉडल मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 500,000 से 5,500 रुपया डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। मुझे लगता है ये सब सुविधा आगामी पीढ़ी आगामी 50 साल के मीन्स 100 साल से ऊपर की सोच रहे हैं, आगे के सोच रहे हैं। ये बहुत ही शुभ को शुभंकरी चिंता है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको तय करना है कि भारत की इस विकास यात्रा में आप कैसे योगदान करेंगे। मेरे विचार में आपको मेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में देश को अग्रणी बनाने के लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। आपको ऐसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे पूरे विश्व के लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आना चाहें। साथ ही आपको ऐसे प्रयास भी करने चाहिए
जिससे भारत की एक मेडिकल इनोवेशन हब के लिए भी पहचाना जा सके। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं कामना करती हूं कि जीएमसी नागपुर आने वाले समय में न केवल भारत के बल्कि विश्व के शीर्ष मेडिकल कॉलेजेस में अपना स्थान सुनिश्चित करे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया। हम सब